प्रणाम। हाय खुशामुद्दीन, मैं तो आम सब गिविन। आप देख रहे हैं सत्या भाई रिव्यू चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक खास पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुए क्लासिक 83 नेटफ्लिक्स में। दरअसल ये पिक्चर काफी अच्छा है, देखने लायक है, एक बार तो देखने लायक है क्योंकि पिक्चर का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है। दरअसल ये पिक्चर की डायरेक्टर जो है अतुल सबरवाल और इस पिक्चर जो है रेड चिली एंटरटेनमेंट बैनर में रिलीज हुई है। इस पिक्चर जो है इसकी कहानी जो है द क्लासिक 83 से ली गई है और इस पिक्चर के जो राइटर जो है यानी इस पिक्चर जैसे जिस नॉवल से लिया गया है उस पिक्चर के राइटर जो है हुसैन जैदी। दरअसल पिक्चर की कहानी काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। दरअसल 80s और 70s के बीच जो हुआ था, 70s और 80s के बीच जो हुआ था हालत, जो उस वक्त जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे और काफी बुरा हाल था मुंबई में, और तब वहां के बुरे सिचुएशन के हिसाब से जो हालत थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी हालत थी, उस हालात को दर्शाता है। दरअसल ऐसे हालात में जो पुलिस जो होते हैं जो अंडरवर्ल्ड डॉन को किस तरह डील करते हैं और उन्हें साफ करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। दरअसल पिक्चर के डायलॉग काफी अच्छा है और जो लोकेशन जो है 70s और 80s का दिखाया गया है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है और डायलॉग्स भी काफी अच्छा है, और यहाँ तक कि लोकेशन को एकदम उन जमाने की तरह दिखाया गया जैसे 70s और 80s के पिक्चर हुआ करते थे। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, एक बार तो देखने लायक है, जरूर देखिएगा। और इस पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं काफी अच्छे डायरेक्ट किए हैं और नए नए एक्टर्स जिस पिक्चर में जो एक्टिंग की उनको काफी अच्छी तरह एक चांस दिया गया है ताकि वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सके, और डायरेक्टर ने हर एक इंसान को हर एक हिस्से को अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है। दरअसल ये पिक्चर जो है वाकई अगर आप घर में बैठे एक्शन मूवी देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स में तो ये काफी अच्छा है और एक हालात को दर्शाता है और उन समय कैसे हालात थे बिना टेक्नोलॉजी और बिना टेक्नोलॉजी से किस तरह हर एक सिचुएशन को अच्छी तरह कैलकुलेट करके उसे फॉलो करते हैं। वाकई काफी अच्छा है, ये पिक्चर देखने लायक है, मुझे तो अच्छा लगा, आप जरूर देखिएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर देखिएगा और सजेशन दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में और कुछ नया आपके लिए कर सकूं। तो फिर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।